Dear students, now we'll discuss graphical method. Graphical method किस लिए यूज़ होती है? जब हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना होता है, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वहाँ पर हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते थे, एल्जेब्रिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड. तो अब हम लोग ये ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे. ये क्या बोलता है? द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग LETV बाय ड्राइंग देयर ग्राफ इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड. कि अभी तक तो हम लोग क्या करते थे, एल्जेब्रिकली उसको या तो एलिमिनेट करके या सब्स्टिट्यूट करके या क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया करते थे, जिससे एक्स और वाई की फाइनाइट वैल्यू निकल के आ जाती थी. यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो दो इक्वेशंस अपने को दे रखी होगी उन दोनों का ग्राफ बनाएंगे, उन ग्राफ की हेल्प से हम लोग सोल्यूशन निकाल के दिखाएंगे. अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप कोई दो लाइंस का ग्राफ बनाएंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है. क्या? कि या तो वो दोनों एक पॉइंट पे कट कर दें, जैसे यहाँ पर ऐसे दिखाया हुआ है, या फिर वो दोनों लाइंस जो हैं वो ओवरलैप कर जाएं, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाए ऐसे, या फिर थर्ड कैटेगरी क्या हो सकती है, वो दोनों लाइन कट ही ना करें, मतलब वो पैरेलल आ जाए. तो यहाँ पर भी हम लोगों को तीनों केस डिस्कस करने हैं कि इफ़ L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देन द इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम. कि जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा वो होगा इन दोनों लाइन्स का सोल्यूशन. सेकेंड केस क्या था कि इफ़ L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट लाइन्स, कि अगर ये दोनों कोइंसाइड कर गई, तो कोइंसाइड करने पे देखो हर एक वैल्यू जो होगा वो कॉमन वैल्यू होगी. आप लास्ट टाइम जब हम पढ़ रहे थे कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, वहाँ पर यही डाउट आ रहा था कि इन्फाइनाइट मिनी सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं. तो इस लाइन को ढंग से देखो, ये L1 और L2 दोनों की दोनों आइडेंटिकल लाइंस बन गई. इसका मतलब जो वैल्यू L1 पे जिस पॉइंट पे आ रही है, वही वैल्यू L2 पे भी उस पॉइंट पे आ रही है. मतलब यहाँ पर हर एक पॉइंट पे दोनों के आंसर सेम ही होंगे. देयर विल बी इन्फाइनाइट मेनी वैल्यूज विच विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस L1 एंड L2. थर्ड कैटेगरी क्या था कि अगर L1 और L2 पैरेलल ही हो जाए, तो अगर आप देखें कि अगर ये पैरेलल हो जाएंगी तो ये तो कभी एक दूसरे से टच करेंगी ही नहीं, मिलेंगी नहीं, मिलेंगी नहीं, तो क्या कभी सोल्यूशन निकल के आ सकेगा? नहीं निकल के आ पाएगा. तो ये कंडीशन हुई नो सोल्यूशन की. तो लास्ट टर्न पे मैंने बताया था कि जब मैं ग्राफिकल मेथड पढ़ाऊंगा तभी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि इन्फाइनाइट मिनी सोल्यूशन कैसे निकलते हैं और नो सोल्यूशन का केस कब होता है. क्योंकि दो लाइंस के केस में सोल्यूशन तभी निकलेगा जब वो एक दूसरे से टच करेंगी या ओवरलैप कर जाएंगी. अगर उन्होंने टच ही नहीं करा, तो टच कब नहीं करती है? जब वो पैरेलल होती है. तो सिर्फ इकलौता ऐसा केस है कि अगर हमारे पास ग्राफ पे पैरेलल लाइंस आ जाती है, इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा. तो ग्राफिकल मेथड इज़ क्वाइट ईजी. यहाँ पर सिर्फ हमको ग्राफ बना बना के देखना होगा, सिंगल पॉइंट पे कट करते ही हम आंसर लिख देंगे. इन्फाइनाइट मेनी पॉइंट्स अगर मिले कट करने के, तो आंसर हो जाएगा इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. और अगर लाइंस पैरेलल मिल गए, इसका मतलब नो सॉल्यूशन. तो चलिए वन बाय वन एग्जांपल से देखते हैं कि सॉल्व 2x-y-4=0 एंड x+y+1=0 ग्राफिकली एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ़ पॉसिबल. तो हमने क्या किया, जो लाइन 1 थी उसके ग्राफ को L1 माना और लाइन 2 जो थी उसके ग्राफ को L2 मान लिया. अब क्या किया, L1 का ग्राफ ड्रॉ किया. तो ग्राफ ड्रॉ करना मैं आपको सिखा चुका हूँ लाइन का. क्या करते हैं हम कि जो भी इक्वेशन दे रखी होती है उसमें x=0 पुट करते हैं, y निकालते हैं, y=0 पुट करते हैं, x निकालते हैं. तो पहली इक्वेशन दे रखी 2x-y-4=0, जब इसमें x=0 पुट किया वी गॉट y=-4, और जब y=0 पुट किया वी गॉट x=+2. तो यहाँ पर पॉइंट क्या आ गए, 0, -4 एंड 2, 0. ऐसे ही जैसे ही ये दोनों पॉइंट निकल के आए, हमने इनको यहाँ पर प्लेस कर दिया ग्राफ पे. जैसे 0, -4 कहाँ बनेगा, ये 0, -4 नीचे बनता हुआ दिख रहा है, और 2, 0 कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है. तो इन दोनों को जब आपने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, तो हमारे पास ग्राफ हो गया L1 लाइन का. अब दूसरी लाइन देखते हैं L2 क्या दे रखा है, x+y+1=0. अब इसमें x=0 रखो यू विल गेट y=-1, y=0 रखो यू विल गेट x=-1. तो पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, 0, -1 एंड -1, 0. अच्छा 0, -1 कहाँ आएगा, ये रहा, और -1, 0 कहाँ आएगा, यहाँ. इन दोनों को जब आपने ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन से, तो हमें ग्राफ L2 का भी मिल गया. अब आप देखिए L1 और L2 का ग्राफ जो है ना, एक कॉमन पॉइंट पे कट कर रहा है. अब इस कॉमन पॉइंट को हमको ग्राफ पे ही रीड करना है. तो रीड करना मैंने आपको सिखा रखा है कि इस पॉइंट को आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे. जिन पॉइंट्स पे कट कर रहा है वही आपका आंसर होगा. तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जब एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो उसने एक्स को 1 पे कट किया, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू होगी 1, और इसने जब वाई एक्सिस को -2 पे कट किया तो वाई की वैल्यू होगी -2. इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेट ऑफ क्वेश्चन था सिस्टम, इसका सॉल्यूशन क्या निकला, 1, -2. तो आपने कुछ नहीं किया, सिंपली दोनों के ग्राफ बनाए, ग्राफ ने जहाँ पर इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को वही पॉइंट हमारा सॉल्यूशन हो गया. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉरी
इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, कि इनके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो एक काम करते हैं, कंडीशन लगा के देख लेते हैं, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू होना चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए। तो ए वन अपॉन ए टू इज टू बाई थ्री, बी वन अपॉन बी टू इज अगेन टू बाई थ्री, सी वन अपॉन सी टू इज फाइव बाई सिक्स। तो दिख तो गया कि सोल्यूशन नहीं होगा इसका, लेकिन ग्राफिकली कैसे करना है? तो ग्राफिकली हम लोग कैसे शो करेंगे कि अगर इन दोनों के हमने ग्राफ बनाए और दोनों ग्राफ पैरेलल लाइंस की फॉर्म में आ गए, इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेंगे ये कभी कट नहीं करेंगे, तभी ये नो सोल्यूशन वाली कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। तो लाइन L1 के लिए हमारे पास 2x plus 4y equal to 10 था, x is equals to 0 रखने पे y is equals to 5 by 2 आ गया, y equal to 0 रखने पर x is equals to 5 आ गया। तो पॉइंट क्या बने, 0,5 by 2 एंड 5,0, तो 5,0 ये रहा और 0,5 by 2 ये रहा ऊपर, दोनों को ज्वाइन किया, हमारे पास लाइन 1 आ गया L1। फिर दूसरा ग्राफ देखा, दूसरे ग्राफ में हमारे पास लाइन थी 3x plus 6y equal to 12, x equal to 0 पे वी गॉट y equal to 2 एंड y equal to 0 पे वी गॉट x is equals to 4। तो जो पॉइंट बने वो क्या बने, 0,2 एंड 4,0, दोनों को प्लॉट करें, 0,2 y एक्सिस पे ऊपर मिल जाएगा ये रहा, और 4,0 x एक्सिस पे मिल जाएगा, दोनों को ज्वाइन किया। तो जब हम L1 और L2 की लाइंस को देखेंगे, दीज लाइन वुड बी पैरेलल विद ईच अदर, और अगर ये पैरेलल इसका मतलब ये कहीं पर भी कट नहीं करेगी और कहीं पर भी कट नहीं करेगी, तो इसका मतलब इनमें सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो ग्राफिकली हमने प्रूव कर दिया कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था इसमें कोई सॉल्यूशन जनरेट नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, शो दैट, शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो पहले तो कंडीशन से चेक कर लेते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन थी, कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। तो यहाँ पर ए वन अपॉन ए टू इज वन बाई थ्री, बी वन अपॉन बी टू इज ऑल्सो वन बाई थ्री, सी वन अपॉन सी टू इज अगेन वन बाई थ्री। तो ये तो पक्का है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। अब ग्राफिकली कैसे शो होगा, ग्राफिकली तभी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दे पाएंगे जबकि हमारे पास एक सिंगल लाइन ही मिले ग्राफ में। तो करके देखते हैं, जैसे हमने y इक्वल टू जीरो रखा, x की वैल्यू कितनी आई, 2/3। जब x इज इक्वल टू जीरो रखा लाइन वन में, तो y की वैल्यू कितनी आई, -2। तो पॉइंट्स क्या आ गए, 2/3,0 एंड 0,-2। अब 2/3,0 कहाँ आएगा, ये रहा, और 0,-2 कहाँ आएगा, नीचे। इन दोनों को ज्वाइन किया, लाइन वन आ गई। अब लाइन टू पे आते हैं, लाइन टू में 9x-3y इक्वल टू 6 था। जब हम y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 6/9, 6/9 को सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट 2/3, और y इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 2/3 आया था। अब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो विल गेट y इज इक्वल टू -2। जो पॉइंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे 2/3,0 एंड 0,-2। जैसे ही आप इन दोनों पॉइंट्स को देखेंगे, ये पॉइंट्स तो ऊपर वाली लाइन पे भी थे, तो जब हमने उनको वापस से ग्राफ पे प्लॉट किया तो वो तो वही वाली लाइन निकल के आ गई। इसका मतलब ग्राफ पे देख के हमको क्या समझ में आ रहा है कि L1 एंड L2 बोथ आर सेम, और अगर दोनों सेम है इसका मतलब इनके तो हर पॉइंट ही एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब देयर विल बी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर गई या कोइंसाइड कर गई। सो आई होप ग्राफिकल मेथड से तीनों कैटेगरी आपको समझ में आ गई। पहली कैटेगरी में हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के सॉल्यूशन निकाला, दूसरी कैटेगरी में ग्राफ बनाया, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी जिससे कि नो सॉल्यूशन हमने प्रूव किया, तीसरी जो कैटेगरी थी उसमें कोइंसिडेंट लाइंस हमने बनाई जिससे कि इन्फाइनाइट मिनी सॉल्यूशन जनरेट कर दिया। एक और लास्ट क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ग्राफिकली, ऑल्सो फाइंड द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द अबव टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस, एंड इफ़ पॉसिबल ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। कि क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों लाइन्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहली लाइन क्या है, 5x-6y = -30, तो पहले तो इस पर पॉइंट बना लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू -6। तो जो इस पर पॉइंट आया L1 पे वो 0,5 एंड -6,0 आया। इनको पहले प्लॉट करते हैं, -6,0 ये आ जाएगा माइनस x एक्सिस पे, और 0,5 ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस पे 0,5। तो ये जो हमको ये वाली लाइन दिख रही है, लाइन वन दिख गई। अब लाइन टू पे आते हैं, लाइन टू के कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन क्या थी, 5x+4y = 20। 5x+4y = 20 के लिए जैसे ही x इक्वल टू 0 करा y इक्वल टू 5 आ गया, और y इक्वल टू 0 करा x इक्वल टू 4 आ गया। तो पॉइंट्स क्या बन गए, 0,5 एंड 4,0। अब इनको भी प्लॉट करते हैं तो 0,5 तो वापस यहीं पर आएगा, और 4,0 कहाँ जाएगा, नीचे पॉजिटिव x एक्सिस पे। जब इन दोनों लाइंस को हम आगे तक बढ़ाएंगे तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल जाएगा विच इज 0,5। तो अब हम इन दोनों लाइंस को x एक्सिस के साथ देखते हैं तो विल गेट अ ट्राइंगल।
तो हमें ट्राइंगल साफ साफ दिख रहा है बनता हुआ। अब हमसे पहली चीज़ क्या पूछी थी कि इस ट्राइंगल के वर्टाइसिस बताओ, तो वर्टाइसिस क्या दिख रहे हैं, तो एक वर्टेक्स तो ये आ रहा है ट्राइंगल का विच इज़ -6.0, दूसरा वर्टेक्स ये आ रहा है विच इज़ 0.5, और तीसरा वर्टेक्स नीचे की तरफ आ रहा है विच इज़ 4.0। तो वर्टाइसिस आर सॉरी तो वर्टाइसिस आर -6.0, 0.5 एंड 4.0। अब उसके बाद उसने क्या बोला कि इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन भी देखना है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है 0.5, तो सॉल्यूशन वुड बी 0.5। फिर तीसरा क्या बोला था कि इफ़ पॉसिबल इस ट्राइंगल का एरिया भी निकालना है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब अगर इस बेस को रीड करेंगे तो ये कितने यूनिट का बेस दिख रहा है, तो -6 से लेके 4 तक के डिस्टेंस विच इज़ इक्वल्स टू +10 यूनिट, और इसकी हाइट कितनी दिख रही है, तो 0 से लेके 5 तक 5 यूनिट, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ऑफ 10 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 25 यूनिट स्क्वायर। सो आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो ये था हमारे पास ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हम लोग सबसे पहले जो इक्वेशंस दी होती है उनके ग्राफ बनाते हैं, अगर वो ग्राफ एक सिंगल पॉइंट पे कट करते हैं तो देर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा आंसर होगा। अगर वो लाइंस एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाती है तो देर विल बी इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, और अगर वो लाइंस एक दूसरे से पैरेलल हो जाती है तो देर विल बी नो सॉल्यूशन। तो एक बार ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इनको आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके देखिएगा, आपसे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये जो बेसिक लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एक बार पेन और पेपर पे ग्राफ पे करके देखिएगा। थैंक यू।